हम 40 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर यहां तक पहुंचे हैं। एक आप जैसे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीतिक नेता पहले था, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है। मैं एक योद्धा हूं, संघर्ष की राह पर संघर्ष करके आगे बढ़ा हूं। मैंने सोचा काहे की किस्त होगी, तो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अभी आधे ही महीने में। अगले दिन वो बजट चल रहा था, हेलीकॉप्टर एक आया, दूसरा हेलीकॉप्टर आया, अनाडेल में रुका। पुलिस की 3 बसेज आई सीआरपीएफ की, और उस बस में सारे गनमैन लेकर चले हुए और विधानसभा का गेट तोड़ दिया। मैंने पुलिस वालों में बोला कि सर हमारा गेट तोड़ दिया। मैंने कोई बात नहीं, उनको अंदर आने दो, ये दूसरा बजट हमारी सरकार का पास करने के लिए आ रहे हैं। 6 के 6 विधायक आए, साइन किए, साइन करने के बाद पैसे मिलते हैं, तब उसके बाद सत्र में जाते हैं। साइन कर लिए, अरे भी साइन भी क्यों किया, पैसे देने के लिए। उसके बाद बजट में खबर चल पड़ी 28 तारीख को कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री जी कहते इस्तीफा दे दिया। मैंने बोला मैं क्यों इस्तीफा दूंगा भाई, हम 40 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर यहां तक पहुंचे हैं। एक आप जैसे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके परिवार में कोई राजनीतिक नेता पहले था, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है। बड़ी बड़ी टीवी में खबर छप रही, मेरे पास टीवी वाले आए, मैंने बजट की तैयारी कर रहा था, मैंने बोला मैंने रिप्लाई देना है। जब मैं आया मैंने कहा मैं एक योद्धा हूं, संघर्ष की राह पर संघर्ष करके आगे बढ़ा हूं। हर संघर्ष की सीढ़ी मैंने चढ़ी है, छात्र जीवन से लेकर युवा जीवन से। हम आम लोगों के लिए योजना लेकर आए हैं। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और उन्होंने अंदर जयराम ठाकुर जी जोर जोर से कह रहे हैं, अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। इतना ही नहीं, फिर जयराम जी गवर्नर के पास चले गए, कोर्ट कोर्ट सलाह के बंद करने का, न्याय कोर्ट सलाह लेकर कि अगले दिन वोट हो रही है। और जो बिके हुए विधायक थे वो भी अपने नए कोर्ट चंडीगढ़ में नाप, मुझे पता लगा चंडीगढ़ में नाप करके दे रहे हैं। नाप रुपाई करके जल्दी करो, करते 10 घंटे में कोर्ट बैंड बनना चाहिए कि हम मंत्रिमंडल में शब्द लेंगे। लेकिन कानून में क्या लिखा था, आपके चंबे के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, कानून के कहता है स्पीकर बने हुए हैं, उस स्पीकर की कुर्सी पर बड़े बड़े पोथे अपने आगे रखे हुए, उन्होंने पढ़ने लगे हुए कि वोट नहीं डालना इन्होंने बजट में, और उन्होंने अपील की और वो डिस्क्वालीफाई हुए। आज वो जनता की अदालत में वोट मांग रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बीके में विधायक है, ये अपनी अंतर आत्मा से नहीं गए, ये अपनी धनात्मा से गए हैं, धन के द्वारा गए हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और सबक हम नहीं सिखा सकते, आम जनता सिखा सकती है। जो वोट का अधिकार 75 साल पहले आपको कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिला, हजारों साल की गुलामी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा अधिकार आजादी के बाद हिमाचल की और हिंदुस्तान की जनता को मिला, वो वोट देने का अधिकार है। आप अपनी ताकत के दम पर, जनमन के दम पर, अगर आप ये ठान लेते हैं कि हमें धनबल को हराना है और जनबल को जिताना है, आम लोगों की सरकार को बचाना है, तो आप लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगा, 1 तारीख को जब आप वोट देने जाएं, जिन लोगों ने 1 राज्यसभा की सीट चुराई है, आप भारतीय जनता पार्टी को उन 4 लोकसभा सीटों पर चित करेंगे तब